उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव। उपचुनाव के लिए आज है वोटिंग का दिन। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इधर उपचुनाव को लेकर प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव है और वोटिंग देखिए सुबह से चल रही है। शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि किसी भी तरह से मतदान की प्रक्रिया को कोई प्रभावित न कर सके, कानून व्यवस्था बनी रहे। शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है। दिग्गज भी इस दौरान अपना वोट डालने के लिए पहुंचे। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव। उपचुनाव को लेकर प्रशासन एक्टिव। हर गतिविधि पर प्रशासन नजर रख रहा है। शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है। लोग वोटिंग करने के लिए कतारों में लगे हैं। शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है। वोट डालने के लिए लोग कतारों में लगे हैं। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर देखिए आज उपचुनाव के लिए मतदान। और सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। शाम 5 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। इधर आपको ये बता दें कि 3,718 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके बाद आपको ये भी बता दें कि आखिर कुल कितने उम्मीदवार चुनावी रण में हैं। 90 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर उपचुनाव है वो भी आपको बता देते हैं। मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, सीसामऊ, फूलपुर में उपचुनाव, कठेरी, मंझुआ विधानसभा क्षेत्र पर भी मतदान हो रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि कुल 34,35,974 मतदाता अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 9 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 3,718 मतदान केंद्र बनाए गए। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे खबरें। अभी तक के संवाददाता आकाश यादव का लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, आज मतदान का दिन है, किस तरह की व्यवस्थाएं नजर आती हैं, किस तरह का उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है? देखिए आरती, 9 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है। बहुत अहम है ये उपचुनाव क्योंकि ये सेमीफाइनल उपचुनाव माना जा रहा है। कुछ 27 का रण बहुत बड़ा रण है, लेकिन उसके पहले ये उपचुनाव जब हो रहा है तो आज सुबह से ही पलटवार हो रहा है। चाहे समाजवादी पार्टी बीजेपी को आरोप लगा रही है, बीजेपी ने सपा की तरफ आरोप लगाया है। कई सीटों पर जो है विवाद देखने को मिला, पत्थरबाजी मुरादाबाद में देखने को मिली है। तो अखिलेश यादव ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं मतदान करने नहीं दे रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वहीं भूपेंद्र चौधरी अध्यक्ष हैं बीजेपी, उन्होंने आरोप लगाया कि सपा हताश है और निराश है ताकि वो चुनाव हार रही है। ये आरोप तो लग रहे हैं, लेकिन इसके बीच में देखी बात है तो चुनाव आयोग बड़ा अलर्ट है। अभी तक जो शिकायतें मिलती हैं, करीब 5 पुलिसकर्मियों को उन्होंने सस्पेंड किया है। वोट प्रतिशत की बात करें, 1 बजे तक का रिकॉर्ड आया, जब 41 टोटल एवरेज देखा जाए तो 31% वोट परसेंटेज 9 सीटों पर पड़ चुका है। सबसे ज्यादा वोट परसेंट तेज कुदरी विधानसभा जो है 23% फेज हुआ, सबसे कम गाजियाबाद की सीट पे हुआ है। तो लोगों में उत्साह है, लेकिन कुछ चीज़ों पे झड़प देखने को मिल रहा है। जैसे मुरादाबाद की सीट है, आपका मीरारपुर की सीट है, इन सीटों पे कहीं ना कहीं झड़प देखने को मिल रहा है। कानपुर की जो सीसामऊ चर्चित सीट है, क्योंकि वहाँ से सोलंकी जेल में है, वहाँ से बाहर आया। इसके बाद अभी थोड़ी देर पहले भाजपा जो प्रत्याशी उनके ऊपर भी हमला करने की भी खबर आ रही है। तो कई सीटों पर जो है कहीं ना कहीं देखा जाए कुछ समस्याएं देखने को मिल रही हैं, चाहे वोट पर वोट डालने को लेकर वो शिकायत की जा रही है या प्रत्याशी के ऊपर जो है आरोप देखने को मिल रहे हैं। ये तमाम चीजें आरती को देखने को मिल रहा है, क्योंकि चुनाव में लगातार जो देखा जाता है, चुनाव आयोग कह रहा है कि हम सही तरीके से करा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शिकायतें लगातार बनी हुई हैं। वो समाजवादी पार्टी भी अपनी शिकायतें कर रही है। और अभी एक मुद्दा ये भी आया, बीजेपी ने आरोप लगाया कि जो सपा है, सपा के जो लोग हैं वो दोहरी वोटिंग करा रहे हैं। कहने का मतलब बुरके के अंदर जिनका चेहरा देखा नहीं जा रहा है और वो एक बार वोट डालने के दोबारा वोट डाले, तो उसके संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। जो महिलाएं हैं बुरका डाल के आ रही हैं, उनका बुरका खोल के देखा जाएगा, सिर्फ चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वही देख सकते। तो इस तरह के तमाम आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। और जो वोट परसेंट की बात की जाए तो 1 बजे तक के जो डाटा अपने पास आया है वो 31% का वोट परसेंट था। आरती, तो 31% का वोट परसेंट 1 बजे तक सामने आया है। लोगों में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? 31% ही केवल मतदान फिलहाल तक दर्ज किया गया है। क्या लगता है शाम होने तक मतदान का फीसद बढ़ेगा? आकाश, देखिए
बिल्कुल आरती, क्योंकि 1 बजे तक डाटा सरकारी आया था, अभी 3 बज चुके हैं, फिर डाटा आना है, थोड़ी बहुत देर में अपडेट हो जाएगा, वो आपको दर्शकों को हम बताएंगे क्या अपडेट हो गया। लेकिन ये माना जा रहा है कि वोट परसेंटेज जो है करीबन ये 55% के आसपास हो सकता है, क्योंकि जब 1 बजे तक 31% हुआ कि यहाँ पर ठंडी कुछ ज़्यादा और लोगों ने बहुत देर में वोटिंग करना शुरू किया है, कई जगह पर बहुत लेट वोटिंग शुरू हुई है, तमाम शिकायतें मिलती हैं, वोट परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। 3 बजे डाटा में उम्मीद लगाई जा रही है कि 40% के ऊपर ही वोट परसेंटेज पहुँच जाएगा, थोड़ी देर में जब डाटा आएगा वो भी दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन जो दर्शकों में जो वोटर्स हैं उसमें उत्साह भी ये है, उत्साह ये है कि वोट डालना है और अपनी चीज़ों के, लेकिन जो शिकायतें हैं वो कहीं ना कहीं खासतौर से जो मुस्लिम समुदाय है वो शिकायतें लगातार वो मुरादाबाद की जो सीट है वहाँ से होती आ रही है, या फिर कानपुर की सीट साहब वो सीट है वहाँ से शिकायतें आ रही है, इन शिकायतों का निवारण भी चुनाव आयोग कर रहा है। आरती, तो शिकायतों का निवारण तुरंत किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से आरोप भी लगाए गए थे, एक तरफ सपा का कहना है कि मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, दूसरी तरफ यहाँ तक शिकायतें आ रही हैं कि फर्जी वोटिंग हो रही है, कुल मिलाकर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, खास तौर पर क्या संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों को लेकर स्थिति? बिल्कुल, कुछ सीटें ऐसी हैं जैसे मुरादाबाद की सीट करें, उस सीट पे बहुत संवेदनशील माना जाता है, मुजफ्फरनगर की मीरारपुर सीट है उसको बहुत संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि वहाँ मुतिकोड़ी मामला देखने को मिल रहा है, वहाँ पे एक जो है चंद्रशेखर आजाद जो आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष हैं उनका भी प्रत्याशी उतरा पड़ा है BSP की तरफ से, और खासतौर से जो लड़ाई आमने सामने वो सपा भाजपा की है, तो वहाँ तिकोड़ी मामला जब है तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इसी तरह अगर बात की जाए कानपुर की सिरसा में उस सीट पर, वहाँ भी बहुत चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इन तमाम चीज़ों से सपा ने आरोप लगाया, करीबन 12 बजे अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो बोलते हैं कि तमाम सीटों EVM रोकी गई हैं, जो मतदाता उनको चेकिंग की जा रही है, उनके वोटर्स देखे जा रहे हैं, उनके वोट कार्ड देखे जा रहे हैं, जिसके बाद वो शिकायत के बाद जो चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया, 5 पुलिसकर्मी को 2 मुरादाबाद में, 2 मुजफ्फरनगर, 1 कानपुर में पुलिसकर्मी को सस्पेंड भी कर दिया है। लेकिन इन सभी चीज़ों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं BJP का ये साफ तौर से कहना है कि सपा हताश है, निराश है, इस वजह से ये आरोप लगा रही है, इन आरोपों को खारिज करते हुए अपनी जीत की तरफ BJP कह रही है हम आगे बढ़ रहे हैं और 9 की 9 सीटों पर आगे बढ़ेंगे। आरती, तो BJP का दावा है कि 9 की 9 सीटों पर अभी हम बढ़त बना रखे हैं, लेकिन हम जहां तक बात कर रखे हैं व्यवस्था की, तो प्रशासन का कहना यह है कि चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं, खास करके संवेदनशील अति संवेदनशील सीटों के ऊपर, तो ऐसे में मतदान प्रक्रिया को कोई प्रभावित ना कर सके, इसको लेकर क्या तमाम मुकम्मल इंतजाम आकाश नजर आते हैं? बिल्कुल, मुकम्मल में देखने को मिले, जहाँ भी जैसे संवेदनशील इलाके में मुजफ्फरनगर में पत्थरबाजी सुबह की, उसके बाद तुरंत SSP ने संज्ञान लिया, पत्थरबाजी को रोका, जो जहाँ पर पत्थरबाजी को उनको कहीं ना कहीं हिदायत देकर छोड़ा गया है, ताकि वोटर्स जो वोट डालने आ रहे हैं उनको किसी प्रकार तकलीफ न पड़े। तो प्रशासन पूरी तरह एक्टिव है, मुस्तैद है, वो चाहे DM हो या फिर SSP हो, हर जिले में एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं और लगातार जितनी भी कार्रवाई की जा सकती है तुरंत तत्काल प्रभाव से वो की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग द्वारा मुस्तैदी दिखाई गई है या जिला अधिकारी के द्वारा या SSP के द्वारा, वो साफ तौर से ग्राउंड में दिखाई पड़ रही है, क्योंकि ज़्यादा देर तक कोई भी समस्या उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में देखने को नहीं मिल रही है, जो शिकायतें आ रही हैं उनका संज्ञान भी लिया जा रहा है, ग्राउंड पर जो स्थिति बिगड़ रही है उस स्थिति को संभालने में भी कहीं ना कहीं DM और SSP बिल्कुल संभव और उनको कर भी रहे हैं। आरती, चलिए बहुत शुक्रिया आकाश, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है, तो देखिए तुरंत एक्शन लिया जा रहा है जहां जहां से शिकायतें आ रही हैं।